तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर एमआईएम पार्टी के बारे में। जो एमआईएम पार्टी बिहार में इनका विस्तार कैसे हो रहा है मैं इस पे चर्चा करते रहता हूँ। अक्सर आप लोग वीडियो में देखते होंगे और मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज में चर्चा करता हूँ वीडियो के अंदर। मैंने एक ढाका विधानसभा के बारे में बताने की कोशिश किया, किशनगंज के बारे में बताने की कोशिश किया। तो इसी तरीके से एमआईएम पार्टी जो बिहार में अभी मजबूत नजर आ रही है, धीरे धीरे इनका पैर पसरता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर से 2024 इलेक्शन जो हुआ है लोकसभा का, उसके बाद से। और सीतामढ़ी में पार्टी की क्या स्थिति है इस पे हम चर्चा करेंगे, और सीतामढ़ी में पार्टी कहाँ तक पहुंची। जैसे कि आपको पता ही है कि मधुबन लोकसभा प्रत्याशी, मधुबनी मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी वकार सिद्दीकी साहब को मिथिलांचल का जो है उनको प्रभारी बनाया गया। वकार सिद्दीकी साहब जो एमआईएम पार्टी से, वो मधुबनी से चुनाव लड़े लेकिन वो हार गए, उनको समय कम मिला। और वहां से वो हारे उसके बाद से पार्टी ने उनको एक अहम जिम्मेदारी दे दी, और वो मिथिलांचल की जिम्मेदारी दी कि आप वहां पर जाए पार्टी को मजबूत करें। पार्टी कैसे आगे, अगला जब चुनाव आए विधानसभा का, जब 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो वहां पर इतनी मजबूत स्थिति में पार्टी नजर आए कि अगर चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई कहे और चुनाव लड़ने की ऐसी परिस्थिति बने तो फिर हम चुनाव आसानी के साथ लड़ सके। उसी के तहत वहां के प्रभारी जो वकार सिद्दीकी साहब है वो पहुंचे हुए हैं, वहां मीटिंग ले रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के अंदर के वकार सिद्दीकी साहब बजाबते वहां पर पहुंचे सीतामढ़ी के अंदर। और सीतामढ़ी जो कि आप वहां पर पुपरी के अंदर पहुंचे हुए हैं, बहुत अलग अलग जगह सीतामढ़ी, और फिलहाल ये पुपरी के अंदर पहुंचे और लोगों से ये जायजा लेने की कोशिश किए कि क्या पार्टी को कैसे यहाँ पर मजबूत किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि बिहार के अलग अलग कोने में अभी एमआईएम पार्टी जाती हुई नजर आ रही है, उनका संगठन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्लॉक लेवल से लेकर तैयारी इनकी चल रही है, बूथ लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, प्रखंड लेवल हो, ताकि हर जगह पर हम अपने कार्यकर्ता को वहां पर खड़ा कर सके। क्योंकि अलग अलग पार्टी में आप लोगों ने देखा होगा कि कार्यकर्ता बहुत मजबूत स्थिति में अगर नजर आते हैं तो वो पार्टी को जीतने में बहुत ही मदद मिलती है। जैसे आप भाजपा के, आप लोगों ने सुना होगा कि उनका पार्टी के जो कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत करते हैं और वो बूथ लेवल पर बहुत मेहनत करते हैं। और उसी तरीके से एमआईएम पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हैदराबाद से ये पार्टी चलकर जो देश के अलग अलग कोने में अभी काम कर रही है। मैं अलग अलग स्टेट का भी वीडियो बनाता हूँ स्टेट वाइज, उसके बाद से मैं अभी बिहार की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, और बिहार के सीतामढ़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सीतामढ़ी के अंदर भी एमआईएम पार्टी पहुंच चुकी है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हाँ हमारे यहाँ पार्टी है या नहीं है, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि एमआईएम पार्टी कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि पार्टी से जुड़ना, पार्टी के संपर्क में रहना, क्योंकि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम पार्टी से जुड़े एमआईएम पार्टी से, और बहुत लोगों की एक ख्वाहिश ये भी होती है कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़े असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी का कोई नेता। क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब सेंट्रल में होते हैं और सेंट्रल से जब आवाज उठाते हैं मजलूमों की, तो हर मजलूम सुनने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए कोई इंसान है जो आवाज उठा रहा है, जिसे हमने कभी देखा नहीं, हमसे कोई मिला नहीं कभी, न कभी जान है न पहचान है, हम उसे वोट भी नहीं करते हैं, फिर भी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हम पे जो जुल्म होता है उसको लेकर के आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब।
चाहे वो शरीयत को बचाना हो, चाहे वो किसी के धर्म को बचाना हो या किसी के जात मजहब को बचाना हो, हर चीज में वो खड़े नजर आते हैं। या किसी पर जुल्म होता हो, या दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, दबे कुचले समाज से जो ताल्लुक रखते हैं उन पे भी जुल्म होता है, तो वो खड़े हुए नजर आते हैं। तो ये कोशिश हर लोगों की है कि हमारे यहाँ से MIM पार्टी आए, लड़े चुनाव और हम उनको आगे करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग चाहते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो सीतामढ़ी के अंदर पार्टी पहुंच चुकी है और इनके प्रभारी है वकार सिद्दीकी साहब, जो मधुबनी के पूर्व प्रत्याशी रहे 2024 के। और ये जो 2024 का जब पार्टी ने चुनाव लड़ा, भले ही इनको हार मिली हो, लेकिन एक बात ये जरूर इनको मिली, सबक मिली, सीख मिली कि हार जीत का जो नतीजा हुआ वो तो अलग अलग हुआ, लेकिन इनके पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता की एंट्री हो गई। अलग अलग जिले के अंदर हम बात करते हैं तो अलग अलग नेता की एंट्री हुई, काफी अच्छे अच्छे नेता इनके पार्टी में आए। पहले सिर्फ सीमांचल के अंदर किशनगंज के अंदर पार्टी काम करती थी, इसके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब है और उनके कंधों पे पूरा बोझ था, पार्टी का पूरा बोझ उन्हीं के ऊपर था। लेकिन अब बोझ को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अलग अलग जिले के अंदर जिला अध्यक्ष बना करके बोझ को कम कर दिया गया। अब ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और ये प्रभारी की जिम्मेदारी है कि उस जगह जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो पार्टी को कैसे आगे बढ़ाए, पार्टी को कैसे मजबूत स्थिति में उस जगह पर लेकर आए। किसी भी जगह की हम बात करते हैं बिहार के अंदर, क्योंकि पहले एक ही शख्स पर दारोमदार था कि अख्तरुल ईमान साहब को हर जगह जाना है, हर इंसान से मिलना है, पार्टी के लिए हर सबको समझाना, एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब सब मिलकर काम करेंगे तो फिर समय भी कम लगेगा और पार्टी का जो भी पॉलिसी है वो लोगों तक आसानी के साथ पहुंच सकेगी। अगर सीतामढ़ी के अंदर की बात करते हैं तो जितने भी कार्यकर्ता इस पार्टी से जुड़ेंगे वो इस पार्टी की पॉलिसी को लेकर जाएंगे घर घर तक, लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और फिर पार्टी लोकल चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव हो या MP का चुनाव हो लड़ने का काम करेगी। नेक्स्ट जब भी कोई भी चुनाव आता है तो पार्टी को सबसे पहला यह काम होता है कि पार्टी को संगठन को खड़ा करना, बूथ लेवल पर खड़ा करना, ब्लॉक लेवल पर खड़ा करना, ताकि कब भी आपके नेता जब खड़े हो किसी भी चुनाव में तो उनको ये महसूस ना हो कि हम अकेला है, हम अकेला पड़ गए, हमारे साथ कोई नहीं है। अगर आपकी पार्टी या आपका संगठन मजबूत होगा तो वो नेता अकेलापन महसूस नहीं करेगा और उनके पीछे हजारों की संख्या में लोग रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे मेहनत करने वाले, और जोश जुनून के साथ जब मेहनत करेंगे तो उनके अंदर भी जोश जुनून रहेगा और वो जोश जुनून के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और रिजल्ट भी उनके पक्ष में आ सकती है। तो ये अपडेट जो कि सीतामढ़ी से निकल कर आ रही है कि सीतामढ़ी के अंदर पार्टी को बढ़ाने की, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा चल रही है, मीटिंग की जा रही है प्रभारी के द्वारा, जो कि वकार सिद्दीकी साहब, जिनको प्रभारी नियुक्त किया गया सीतामढ़ी सीमांत मिथिलांचल का। तो ये अपडेट आ रहा निकल करके। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।